हेलो फ्रेंड्स, हियर इज अ न्यू टॉपिक फॉर यू, क्वेश्चंस विद प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस से हम क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, तो दो वे है। पहला वे है प्रीपोजिशन के साथ हम डब्ल्यू एच वर्ड लगाते हैं, मीन्स प्रीपोजिशन विथ डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच का कोई भी वर्ड और उससे हम शुरू कर सकते हैं। और दूसरा वे है प्रीपोजिशन स्ट्रैंडिंग। क्या होता है प्रीपोजिशन स्ट्रैंडिंग? जब डब्ल्यू एच वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होता है और प्रीपोजिशन से एंड होता है। ये प्रीपोजिशन स्टैंडिंग जो है बहुत ही इनफॉर्मल वे है ना, ज़्यादातर हम इनफॉर्मली उसको यूज़ करते हैं, फॉर्मल वे में उसको यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन हम दोनों तरीका सीखेंगे, आइए देखते हैं। फर्स्ट देखिए फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर का क्या मतलब होता है? कहाँ से। जैसे हम सेंटेंस बना सकते हैं फ्रॉम वेयर हैव यू कम, तुम कहाँ से आए हो। नेक्स्ट देखिए फॉर हुम, किसके लिए। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, फॉर हुम हैव यू बॉट दिस, तुम यह किसके लिए खरीदे हो, है ना। तो आप सिर्फ वर्ड्स भी याद करेंगे, सिर्फ एक्सप्रेशन याद कर लेंगे, प्रीपोजिशन और डब्ल्यू एच वर्ड और उसका मीनिंग याद कर लीजिए, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस में इसको यूज़ कर सकते हैं। सी द नेक्स्ट इन विच, क्या मतलब होता है? किस में या कौन सी में या कौन से में। कैसे सेंटेंस बनाएंगे देखिए, इन विच कॉलोनी डिड यू लिव, तुम कौन से मोहल्ले में रहते थे। नेक्स्ट देखिए टू हूम, टू हूम का मतलब किसको। कैसे सेंटेंस बनाएंगे इससे, टू हूम विल यू टीच, तुम किसको पढ़ाओगे। नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखिए फ्रॉम हूम, मतलब किससे। एग्जाम्पल देखिए फ्रॉम हूम विल ही टेक द मनी, वह किससे पैसा लेगा। अगला सेंटेंस देखिए फॉर वॉट, मतलब किस लिए। एग्जाम्पल देखिए फॉर वॉट विल यू गो, तुम किस लिए जाओगे। नेक्स्ट देखिए एट वॉट टाइम, मतलब कितने बजे। कैसे सेंटेंस बनाएंगे, एट वॉट टाइम विल शी रीच, वह कितने बजे पहुँचेगी। नाउ लुक एट दिस स्लाइड, सेम सेंटेंसेस का हम प्रीपोजिशन स्ट्रैंडिंग कैसे बनाते हैं। क्या करेंगे हम, प्रीपोजिशंस को एंड में लिखेंगे और डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट करेंगे। लुक एट द एग्जाम्पल्स, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, मतलब बिल्कुल वही रहेगा, तुम कहाँ से आए हो। हुम हैव यू बॉट दिस फॉर, यह तुम किसके लिए खरीदे हो। विच कॉलोनी डिड यू लिव इन, तुम किस मोहल्ले में रहते थे। हुम विल यू टीच टू, तुम किसको पढ़ाओगे। हुम विल ही टेक द मनी फ्रॉम, वह किससे पैसा लेगा, है ना। तो ये सेम सेंटेंस है जो मैंने डिफरेंट वे में लिखा है, दोनों ही वे एक्सेप्टेबल है, सो यू कैन यूज़ ईदर ऑफ देम। आई विल बी बैक विथ अ न्यू टॉपिक, टिल देन